to the land of rising sun, Arunachal Pradesh. Arunachal Pradesh ko ek khubsurat rajya ke saath state of hidden talents bhi mana gaya hai. Aur inhi hidden talents ko janne ke liye, pehchanne ke liye aur unhe duniya tak pahunchane ke liye, hum aapke saath lekar aaye hain ek aisa show jiska naam hai Pratibhaon ka Udhay. अरुणाचल प्रदेश कमले जिले के दीद रखे गांव के रोशन जमीन में राखे तकम का जन्म हुआ। उनकी स्कूलिंग शिक्षा गांव के ही पाठशाला से हुई। राखे तकम ने कक्षा 1 से 8 तक की शिक्षा सरकारी स्कूल बोआ शिमला से की। परिवार में धन की कमी होने के कारण और घर के सबसे बड़े बेटे होने के नाते उन पर बहुत जिम्मेदारी आ गई। मन में हमेशा से ही कुछ अलग करने की इच्छा रहती थी। बचपन से इनका शौक कराटे में था, लेकिन उस वक्त पैसे की कमी और कराटे में कोई अवसर ना मिलने के कारण वे आगे नहीं बढ़ पाए। फिर जैसे जैसे समय बीतता गया, घर की जिम्मेदारी उन पर बढ़ने लगी। ...2014 में तकम राजधानी में ट्रैफिक वार्डन के रूप में शामिल हुए। इस काम को ईमानदारी से करते हुए उन्होंने काफी लोगों का दिल जीत लिया। इस दौरान उनका एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल होने लगा, जहां लोगों ने उन्हें कंफू ट्रैफिक वार्डन का नाम दिया। अपने कर्तव्य को सच्चाई और ईमानदारी से करके लोगों के दिल में अपनी जगह बना के उन्होंने काफी पुरस्कार भी हासिल किए। मेरा नाम राखे तकम है। तो मेरा मामी पापा जो बस्ती में रहते हैं, हम लोग घरे पे और पार्स हम बुआ समा में पढ़ा था ना, तो उसका बाद भैया जो तो बस्ती में पढ़ के कुछ नहीं होगा बोल के इतानोर में लाया था। उसका बाद तो उसमें हमको आगे कराटे डलाया ना, डलने के बाद तो तोरपिंग में घुसा है। हाँ, हम पोर्ट बेच के आए तो तोरपिंग में सर उसमें वो था, हम लोग का पर्स पेमेंट जो पाइप ताजन था उसमें पर्स हम कराटे में बहुत इंटरेस्ट था ना। उसका भैया जो बोला कि हम ट्रैफिक में नहीं घुसे, बोला भैया बात उसका बाद हमको तुमको कौन नौकरी देगा, तो तुम उसमें करना है, तेरा मम्मी पापा नौकरी नहीं देगा, तुम चुपचाप करो। हम भैया को कैसे शुक्रिया करेगा ना, वो ये मालूम नहीं है भैया को। भैया तो मेरा भगवान है ना, उसको तो भैया और भाभी वो मेरा भगवान है, सबसे भगवान है। उसके बाद ट्रैफिक में तो मेरा ये इस साल जो माइकल जैक्सन का ही है और कराटे का ना, तो उसमें मेरा ये आदत है कि तो हमको आदमी लोग इतना ओके है ऐसे भाई तुम अच्छा से करो उसमें अवॉर्ड देगा ना, तो ऐसे भी बोला है। उसके बाद हम ऐसे किया, लेकिन वही कि हम लोग का तौर पर जो किस रिगल नहीं हो रहा है, सब लोग मेरा जैसे होने करने से मेरा कल से रिगल होने का चांसेस है। वही कि सब लोग कोई कोई लेजी से करते हैं ना, तो इसलिए सार लोग भी बोलते हैं कोई कोई लोग जब वीआईपी आने से उन लोग कोई कोई मेरे उसमें ऑटो का अंदर में घुसता है ना। इससे मेरा ख्याल से ऐसे नहीं करना सकती कि अच्छा से दूती करने से तो हम लोग का तो कुछ तो होने में हो जाएगा। अभी तो पिल्लर हम लोग का पेमेंट जो पर्स बेच का 13,000 पाए बने रहे हैं, हम लोग का पोर्ट बेच का 11,000 है। तो उसके बाद हमको लेकिन क्लास में इतना इंटरेस्ट नहीं था, बहुत कराटे में इंटरेस्ट था। और उसके बाद हम ये जो अच्छा बड़ा लेकिन बीवी लिया ना, तो मेरा माइकी इतना एज भी 18 ईयर्स है, हम 20 ईयर्स ना, उसका मम्मी पापा भी नहीं है ना, तो इसलिए हम मम्मी पापा नहीं है बोल के लिया है। तो हम उस अच्छा लगा जो पापा जो बोला कि जो तुम मम्मी पापा नहीं होने वाला उसको ले लो, उसको जीजस आपको साथ देगा ना। फिलहाल उसका उन लोग का भाई से मेरा तो हो रहा है ना, पब्लिक भी हमको इतना सपोर्ट है, तो हम लोग दूती करा करने से भी पब्लिक को भी क्रॉस कर देता है और पब्लिक को अच्छा से बात करता है ना। तो ऑफिसर को सलाम करना है और उसके बाद हम लोग को जैसे कि आदमी
जहाँ से बसेस आने से भी ये ऐसे ये गंगा है और ये जो इतना नागौर है इससे बताना है तोरपी का काम हुई है और उसके बाद द्वितीय आचार कर देना है। और हम जो यहाँ में रेंद बैठ के तो मेरा भाई को भी पढ़ाता है और मेरा माँ पिताजी को भी पैसा देता है ना, तो हम लोग को रेंद बारा ये लेवन से नहीं जुड़ता है, थोड़ा पेमेंट ज़्यादा होने से ठीक है ना, वही सरकार से वही रिक्वेस्ट है। हम कैसे कैसे फेमस हो गया बोलने से, मेरा पब्लिक लोग हमको दिन में वो लोग वही कि जैसे कि हम धोती ना अपना स्थल से क्या है, ये जो हमको लग रहा है जीजस दिया है ना, जीजस ने नसीब दिया है, मेरा ये स्थल जो कराती स्थल है ना, तो कंप्यूटर ऑपरेटर जैसे कि हम बुड़सली का पास में कराती था ना, तो हम उसको देख के ये ट्रॉपिक को किया है ना, तो उसके बाद हमको पब्लिक लोग भी धोती करने से भी कभी कभी पैसा भी देता है ना, कभी कभी पब्लिक लोग हमको कभी तंदा पियो भाई आप अच्छा धोती करते हो, और भी हम लोग का दुआ है कि आप अच्छा से और यहाँ से फिर आगे बढ़ने के लिए हम लोग भी कर देगा ये, तो गवर्नमेंट से वो लोग भी जैसे कि भगवान से दुआ हुई कि आप ऐसे करते रहो, हम लोग भी सरकार से लौटते रहेगा ऐसे बोले, तो हम उसमें मेरा दिल भी बोले अरे ये पब्लिक लोग भी साथ देगा, हम भी ये करने वाला को और भी आगे बढ़ाना है ना, तो इसलिए हम भी और दूसरा इस तब किया है। मेरा ये कंप्यूटर गार्डन उस पब्लिक जो बनाया उससे हमको यूट्यूब में हम उसका वैसे थोड़ा फेमस हो गया ना, वो पब्लिक जो बना ना उसको हम दुआ है कि उसका लाइफ में और भी आगे बढ़ रहे हैं। मेरा नाम राखे रुकती है, ये अपना ड्यूटी टाइम में जाते हैं टाइम में आते हैं लेकिन अच्छा से करते हैं, हम बहुत लक्की है कि हमको ऐसे पति मिला है, मेरा पति ट्रैफिक वार्डन में काम करते हैं और बहुत अच्छा से करते हैं। और माई सेल्फ डोमिनिक बाके वर्किंग एज ए इंजीनियर इन डिपार्टमेंट ऑफ PHE एंड वाटर सप्लाई गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। मैं ये मेरा राखे तकम जो भाई है मेरा घर ये जो मेरा रेंट कच्चा हाउस घर पे अभी एक साल से रह रहा है और इसी के बारे में मैं एक साल से जो देख रहा हूँ जान रहा हूँ और जो ये जो काम करता है एक ट्रैफिक वार्डन एक कैजुअल में या कंटिजेंसी में जो भी हो, ये लड़का हम तो ऐसे लगता है कि यहाँ में कोई लड़का रहता है कि नहीं है, ऐसे लगता है कि यहाँ कोई रहता ही नहीं, लेकिन ये इतना बिजी है अपना ड्यूटी पे, इतना ड्यूटीफुल है और इतने सिंसियर है कि सुबह 5 बजे निकल जाते हैं, शाम को फिर 6 बजे 7 बजे आ जाते हैं, इतना सिंसियर और कुछ क्या बोलता है, आजकल का नौजवान ये ड्रग्स दारू ये गुटखा ये सिगरेट ये सब कुछ भी लेता ही नहीं है, हमको तो बहुत अच्छा लगा है कि ऐसे एक टेनेंट ऐसे एक भाड़ा बैठने वाला मिला है एक भाई। तो मैं तो रास्ता पे भी देखता हूँ इतना खूबिया से इतना सुंदर से ये ट्रैफिक को कंट्रोल करता है, उसका जो सबसे अच्छा वही है कि उसका जो हाथ हिलने का जो ट्रैफिक का जो साइन दिखाने का वो हमको बहुत मज़ा लगता है और हम खुश है कि ऐसे एक भाई को मेरा साथ है। और मैं इसी के बीच मैं अपना सरकार से हमारा पीपल्स फ्रेंडली गवर्नमेंट सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास जो इस सरकार को मैं दरख्वास्त या अपील करना चाहूँगा कि ऐसे लड़का को सर्विस पक्का कर देना है रेगुलर या तो अच्छा नौकरी दे देना है। और इसी बीच में हम ट्रैफिक भाई लोग से भी सबको मैं अनुरोध करूँगा कि आजकल जो ईटानगर और नाहरलगुन के बीच इतना ट्रैफिक जाम होता है कि हम लोग को 1.5 घंटा 3 घंटा ऐसे रुकना पड़ता है, इसी को हम मेरा रिक्वेस्ट है कि मेरा भाई लोग जो ट्रैफिक में जो काम करता है ये एक बहुत अलग सा मैंने उसको एक्सपेरिमेंटल वे में या ट्रैफिक कंट्रोल में आप लोग अच्छा से मतलब इक्विप होना है, कहीं कहीं से नेट से भी डाउनलोड करके देखना है कि ट्रैफिक को कैसे कंट्रोल किया जाए। मेरा तो ये कहना है कि जो हम लोग का जो मिनिमम स्पीड होता है ट्रैफिक जो हाईवे में एटलीस्ट 40 स्पीड, क्योंकि ट्रैफिक फ्लो जो है एक पानी का जैसे बहता है, पानी का जैसे है कि उसको जल्दी अगर भगाया जाता वो जल्दी जाएगा तो ट्रैफिक जो है खाली होगा, रास्ता खाली होगा, तो उसको मेरा ये रिक्वेस्ट है भाई लोग से कि जो मेन हाईवे है उसी ट्रैफिक उसमें जो हम लोग का तो बड़ा शहर में तो ये होता है कि उसमें सिग्नल होता है, रेड सिग्नल होने से रुकना है और ग्रीन सिग्नल होने से जाना है, तो यहाँ तो हम भाई लोग का हाथ से अपना आइडिया से करता है जो ट्रैफिक वॉल्यूम बोलता है ट्रैफिक वॉल्यूम जहाँ में ज़्यादा है उसको थोड़ा टाइम ज़्यादा देकर उसको खाली करने देना है, वो एक अपना आइडिया से या
इंटेलिजेंस को यूज़ करके ट्रैफिक को कंट्रोल करना है। तो इसी बीच में मैं तो अपना भाई के बारे में फिर से कहूँगा कि ये लड़का बहुत अच्छा है और बहुत सिंसियर है, और हमारा सरकार, हमारा पब्लिक, जनता को और हमारा जितना भी रोड यूजर्स को इतना मदद करता है कि ये लोग रोड का हीरो है, और उसको मैं हमेशा सलाम करूँगा और इज्जत करूँगा। मेरा नाम विनोद सोनार है, मैं आसाम से बिलोंग करता हूँ। मैं जन्म अरुणाचल में हुआ, पढ़ाई भी इधर ही हुआ, यहाँ गो फायर सेकेंडरी स्कूल ईटानगर पे, और इधर ही पढ़ के इधर ही मैं छोटा मोटा ट्रैफिक वार्डन पे जॉब कर रहा हूँ, इधर ही मिला ट्रैफिक वार्डन का। ताकम एक अच्छा दोस्त भी है और अच्छा ड्यूटी भी करता है, और हम लोग एक साथ करता है, कभी हम लोग मिलजुल के करता है, कभी वो, कभी हम लोग, और काफ़ी लड़का लोग भी है। ताकम से काफ़ी इम्प्रेस भी होता है, लड़का लोग भी इम्प्रेस होता है, और ऐसा कुछ कुछ उसका है, उसका कुछ खराबी नहीं है, कुछ दारू वारू पीता नहीं है, एक्टिवली करता है, हम लोग को भी अच्छा लगता है, हम लोग भी तब उसको देख के करने मन होता है, हम लोग भी करता है, दारू वारू पीता नहीं, सिर्फ ठंडा वंडा कभी कभी पी लेता है, वो भी हम लोग से पूछता है पीना है कि नहीं पीना है बोल के, और ऐसे का ड्राइविंग रूम कहीं घूमने वूमने जाने से भी चलो सर जाएगा बोलता है, ड्यूटी खत्म हो गया अभी जाएगा घूमने जाएगा, उसके बाद आता है ऐसे स्कूटी लेके हम लोग कहीं हवा हवा खाने जाता है, उसके बाद कभी छुट्टी वुट्टी वगैरह में चलो तक हम घूमने जाएगा बोलने से वो भी बोलता है नहीं आज चार्ज जाएगा, नहीं हम कहीं नहीं जाएगा ऐसा बोलता है। कभी कभी ऐसा है कि वो मतलब कि रेसलर जैसा कभी कभी बिहेवियर कर लेता है ड्यूटी पे, कंफू जैसा कर लेता है वो, हाँ। और उसके बाद कभी कभी आदमी लोग मजाक उड़ाते हैं, हम बोले मजाक मत उड़ा, उसका नेचर ही ऐसा है, वो कर लेता है तो अच्छा है, तो वही बोल के हम लोग वो बैठता है तभी। और तकम हंसी मजाक भी बहुत करता है, अच्छा लगता है, कोई ऐसे ड्यूटी में सुस्ती बैठने से भी सबको मजाक करके बैठता है, और ये आपका सबको सार लोग को भी इम्प्रेस करता है। उसको भूख बहुत ज़्यादा लगता है, कुछ भी खाने चीज़ मन होता है, ये खाएगा वो खाएगा, अंडा संडा वगैरह वगैरह क्या क्या खाते रहता है, चुटपुट खाते रहता है वो, और हम लोग भी कभी कभी देख के आशीर्वाद होता है, खाना नहीं खाया बोलता है, ड्यूटी करता है, ब्रूसली ऐसा ड्यूटी करता है, खाना तो ऐसा खाता है कि बहुत भूलिए उसी में हम लोग भी कभी कभी आशीर्वाद होता है, इसका पेट ना कुआ है, हम लोग मानता है करता है, चलो भाई अभी छोटा भी है, हम लोग से भी थोड़ा छोटा है, करता है खाता है, चलो अभी उम्र है खाना चाहिए। अभी हाल ही में इसने मैरिज भी कर लिया, शादी भी कर लिया, अभी अलग से फैमिली रेंट लेके बैठा हुआ है, उसमें भी हमारा ट्रैफिक हम लोग सब एक साथ बैठा है, फिर बैठ के हम लोग तकाम हम लोग सब लोग बैठ के शेयरिंग भी करता है कि ये ड्यूटी में हम लोग का फैमिली कैसा चलेगा, क्यों होगा, और ना रेंट दे पाता है ना कुछ कर पाता है। तकम को भी तकम और है, ऐसा तकम बोल के नहीं है, ऐसा बहुत सारा दोस्त लोग भी है कि मैरिड वाला है, अनमैरिड भी है, चलने तकलीफ होता है, और वही मैं भी वही दरख्वास्त करता हूँ कि सरकार इस पर ध्यान दे, कम से कम ये ट्रैफिक वार्डन लोगों को भी अच्छे से देख दे, मैं वही चाहता हूँ। थैंक यू। राखे तकम ने हमें सिखाया कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, यदि कोई काम आपके सामने आए चाहे वो छोटा हो या बड़ा, उसे हमें एक अपॉर्चुनिटी समझ के या एक अवसर समझ कर ले लेना चाहिए, और उसी काम को अगर आप सच्चाई और ईमानदारी से करते हो तो आप भी तकम की तरह लोगों के दिल में अपनी जगह बना सकते हैं और लोग आपको पसंद करेंगे। अगर आप अपना काम को ईमानदारी से करेगा तो लोग आपको पसंद करेगा।